नमस्कार दोस्तों, अब तक मैं आपको 8 नंबर के बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है पामिस्ट्री से रिलेटेड, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं 9 नंबर वालों की कि 9 नंबर वाले अपनी लाइफ में कैसा करते हैं, कैसा स्वभाव उनका होता है। जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, वह सभी लोग 9 नंबर के अधीन आते हैं जिनका स्वामी ग्रह मंगल है। प्रायः देखा जाता है कि 9 नंबर वालों की लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। बचपन में कुछ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती हैं। अधिकतर लोगों की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपने सेल्फ डिटर्मिनेंस से, अपनी एक सेल्फ शक्ति से वो लोग लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि थोड़े क्रिएटिव होते हैं, ट्रेडिशन से थोड़ा हटके चलने वाले होते हैं, फ्रीडम पसंद करते हैं। अगर उनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ आप थोपना चाहोगे तो वो शायद उस समय आपको आपकी भावनाओं की शायद उस समय कदर हो सकता है ना करें, लेकिन क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र भावनाओं वाली होती है। ये किसी के सबॉर्डिनेट रहना पसंद नहीं करते। इनके अंदर एक सोल्जर वाली जो विशेषताएं होती हैं वो पाई जाती हैं। बहुत ही एक्साइटेड काइंड ऑफ पर्सन होते हैं और लीडरशिप का स्वभाव इनके अंदर होता है। ये आगे से लीड करने वालों में से होते हैं, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम रहता है, कई बार ये अपनी स्पीच में बोलते समय ये ध्यान नहीं रखते कि इनको किस टाइम पे क्या बात बोलनी चाहिए। और इनकी जो एक ज़िद करने की प्रवृत्ति होती है ना, एक दृढ़निश्चयी होना एक अच्छी बात है, लेकिन दृढ़निश्चयी गलत बात पर होना वो बहुत बुरी बात है। कई बार ये कुछ ऐसी बातों की ज़िद कर लेते हैं जिससे अपने लोगों को भी ये दुश्मन बना लेते हैं। छोटे मोटे दुर्घटनाओं का भी योग रहता है इनकी लाइफ में। अगर ये कार या वो चला रहे हैं तो कई बार देखा जाता है कि ये लोग काफ़ी तेज़ गाड़ियां चलाते हैं, तो इनको कोशिश यही है कि गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं अगर चलाते हैं तो। रिश्तेदारों से भी ज़्यादा इनकी कोई खास नहीं होती है। रिश्तेदार अगर इनके लाइफ में भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके नंबर्स नहीं देखे गए हैं। इन्हें आलोचना, बुराइयाँ ज़्यादा पसंद नहीं होती, साफ प्रवृत्ति के होते हैं, जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। इससे इनके फ़ायदे भी होते हैं और इनके इससे नुकसान भी देखे जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने काम में ये बिल्कुल भी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते और बस यही चाहते हैं कि जो काम इनका इनको दिया गया है ये अपने तरीके से करें। लीडरशिप का मैंने आपको बताया है कि लीडरशिप जो होती है इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। इनके लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30 तारीखें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इन्हीं उस पर ध्यान रखें, इन्हीं तारीखों पे और इन्हीं लोगों से इनका मेलजोल रहे। तो ये था 9 अंकों का एक छोटा सा अवलोकन। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपकी न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी करें तो आप दिए हुए नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स जो फ्लैश आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं उनसे पहले हमसे कांटेक्ट करें, उसके बाद ही हमें फ़ोन करें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं, इन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसके लिए आपको एक निश्चित फीस देनी होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।